टाइम इज अबाउट 9:43 और करंट पोजिशन इज लाइक दिस 18950 19250। वाइड एक ट्राइंगल है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और अच्छी रेंज है। जो मार्केट एंटिसिपेट कर रही है वो सिर्फ 9700 पॉइंट्स का स्टार्ट प्रीमियम जो मार्केट मूव एंटिसिपेट कर रही है, बट हमें पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पर रेजिस्टेंस है जो कि पिछले 2 दिन का ऑलमोस्ट हाई है। पिछले दिन का हाई ये रहा और उससे पिछले दिन का हाई वो रहा। अब मेरे पास एक फिक्स रेंज है, अगर हम इसके बीच में रहते हैं तो परफेक्ट है और बस स्पाइक ना है कॉल के अंदर। बाकी मैं यही पोजीशन को कैरी करूंगा जब तक होल्ड कर सकता हूँ। इसका स्टॉप लॉस इज अराउंड 10-11, मैक्स 12, इससे ज़्यादा नहीं। इसका स्टॉप लॉस 13 था, ये एक बार को 10 कैरा पे ट्रेड कर रही थी। तो देखते हैं क्या होता है, बट फिलहाल यही प्लान है। फिर निफ्टी अगर धीरे धीरे प्यार से चला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आज के लिए, बट पता ही हमारे को फिर निफ्टी थोड़ा डरावना हो सकता है। ठीक है, ये हमारी जो स्टार्टल चल रही है 19250 19850, इसकी करंट इसमें जो वैल्यू बची है वो है 13 पॉइंट्स। तो देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 9:55 और प्रीमियम को ऊपर शिफ्ट करा 19,000 की पुट पे। और सिंपल सा रीज़न है, अप मूव डी के देखने को, आप जो भी अप मूव आ रहा है ये हमारे को डी के दे रहा है। डाउन मूव बहुत छोटा सा आईवी स्पाइक, नथिंग मेजर। तो क्या है, 19-19250 एक परफेक्ट पोजीशन है 250 पॉइंट्स की, क्योंकि स्टार्टल प्राइसिंग आप देखो अभी भी 96 पॉइंट्स की आसपास। और इधर थोड़ा सा डेंजर है कि अगर ये लेवल तोड़ेगा तो हो सकता है 250 में स्पाइक आए, हो सकता है ना आए, बट हमारे को इतना तो पता है कि आज का दिन थोड़ा सा बुलिश है। सुबह की अच्छी रेंज ब्रेकआउट आया, तो देखते हैं क्या होगा। बट करंटली वी आर सिटिंग एट अबाउट लगभग 6.5K के प्रॉफिट पे। ठीक है, आज का टारगेट सिर्फ 10 पॉइंट था, तो देखते हैं 10 पॉइंट अगर डी रिस्क करूंगा पोजिशन को सिर्फ, उसमें और रिस्क एड ऑन नहीं करूंगा। इस पोजिशन के अंदर है 8, 7, 15, 16 पॉइंट्स है इसके अंदर, और देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 11:32 और धीरे धीरे जैसे मार्केट ऊपर आ रही है वैसे वैसे पुट को ऊपर लेके आ रही है। कुछ भी अलग नहीं, जैसे जैसे मार्केट आराम आराम से मूव कर रही है वैसे वैसे पुट ऊपर आ रही है। और क्योंकि मार्केट स्लो मूव कर रही है, कोई रैपिड मूव्स नहीं आ रहे, तो प्रीमियम भी स्पाइक नहीं हो रहा ऐसा। ठीक है, करंटली वेयर आप 0.5% इस अकाउंट में, 0.5% दूसरे अकाउंट में। और अब हमारी कुछ इस तरह है, 150 पॉइंट्स की ट्रायंगल है। ठीक है, बट अगर हम देखें जो हमारा प्रीमियम है वो चल रहा है अराउंड 80 पॉइंट्स का, तो ठीक है, परफेक्ट है। डबल, ऑलमोस्ट डबल की रेंज है हमारे पास अभी। ठीक है, ये देखो पूरा आईवी स्पाइक हुआ, इसके अंदर कोई स्पाइक नहीं, 1900 19250। और कूल ऑफ में देखते हैं क्या होता है, बट अब स्प्रेड में हमारे पास 26 पॉइंट्स है स्ट्रैडल की स्प्रेड में, और वील सी। देखो ये डेफिनेटली बुलिश प्राइस एक्शन है और इसीलिए मैं पुट को ऊपर लाने में इतना डर भी नहीं रहा, क्योंकि पुट का प्रीमियम इतना स्पाइक नहीं हो रहा, पुट डी के ही हो रही है। और देखते हैं, चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ 19100 जो कि कुछ इस तरह यहाँ पर एग्जैक्ट समझ लो डे हाई तोड़ा जो, और 19250 दैट इज समवेयर अराउंड हियर। प्रॉब्लम ये है कि इस रेंज में कहीं हमारे को रीसेंट रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस रेंज में थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा। बट अगर आप इधर आके ओआई भी देखो तो 19150 पे अपने स्ट्रैडल जो राइट करते हैं लोग वो आ चुके हैं। 19150 पे फाइट है, पुट राइटर ज़्यादा है, धीरे धीरे पुट राइटर कवर कर लेंगे। 200 में भी थोड़े बहुत लिखना शुरू हो रहे हैं लोग, तो देखते हैं क्या होता है। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी अगली एडजस्टमेंट होगी। तो टाइम इज अबाउट 12:34 और मैसिव डाउन मूव, इट्स सडन सेलिंग, मतलब सडन मतलब पूरी सेलिंग आ रही है नॉन स्टॉप। तो कम्प्लीटली डी रिस्क द पुट साइड, और अब हम 18950 19250, काफ़ी वाइड ट्रायंगल और 7 पॉइंट अलग करने को। ये 7 पॉइंट भी आ गए तो वील एंड अप विद 1% प्रॉफिट, तो मैं बिल्कुल सेफ ट्रेड कर रहा हूँ। कोई लालच नहीं कुछ नहीं, क्योंकि अभी आराम से ट्रेड करना है अभी थोड़ा टाइम। तो जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 1:38 और पूरी पुट्स एक्सपैंड होने के बाद वापस से मार्केट वहीं पे आ गई। तो जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है वैसे वैसे मूव कर रहे हैं 19,000 19,050। कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा मैं, जैसे मार्केट मूव हो रही है उसके साथ साथ मार्केट ऊपर मूव होती है तो पुट ले आता हूँ। ये देखो बीच में कैसी वॉलीटिलिटी आ रही है,
ये बंद करो यार। ये देखो कैंडल अप मूव बना के पूरी रेड में कन्वर्ट हो गई, अगली कैंडल फिर ऊपर, तो ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी परेशान कर रही है। अब एक ही डर है, अगर ये ऊपर जाएगी और ये टूटा तो 250 एक्सपैंड होगी, जो कि मेरे लिए बढ़िया नहीं है कॉल्स के लिए, क्योंकि पहले पुट को एक्सपैंड करना संभाला है, अब अगर कॉल्स को संभालना पड़ेगा तो इरिटेशन होगी और कुछ नहीं। तो देखते हैं, पुट को ऊपर लाऊंगा मैं मे बी 19,100 पे, डिपेंड करता है मार्केट यहाँ पे आके क्या करेगी, बट अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप मूव, फिर मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि एक और रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है, हो सकता है यहीं से रिएक्शन लेकर अपना इसी रेंज में घूमती रहे 19,100 के ऊपर, क्योंकि इधर जो ओआई है वो भी कुछ बैलेंस दी है सारी 19,150 पे। ठीक है 19,150 पे पुट राइटर्स आ गए आज, 19,150 पे हो सकता है फाइट होके खत्म हो जाए दिन, बट वील सी, देखते हैं क्या होता है। लगभग 1 घंटा 20 मिनट बचे एवरेजिंग से, एवरेजिंग के अंदर, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 1:46, तो जैसा मैं बोल रहा था वैसा ही कुछ हो रहा है मार्केट में, और विद मार्केट ही मूव कर लिया हम भी 19,100 पे आ गए। 150 पॉइंट्स की रेंज है जो कि काफ़ी डिसेंट रेंज है, और अगर आप ये देखो मैंने 11 पे शिफ्ट करी है, इसमें 3-4 पॉइंट टूट गए और ये 1 पॉइंट अभी नहीं बढ़ी, तो ये बहुत अच्छा हुआ। ठीक है अब यहाँ पे देखते क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फाइटिंग एरिया, यहाँ पे पहले भी रिजेक्शन आई थी, एक बार और रिजेक्शन आई है। अगर इस बार रिजेक्शन नहीं आती तो 200 200 वाली स्पाइक तो करेगी करेगी, 250 वाली भी स्पाइक कर सकती है कॉल। ठीक है वो देखते हैं क्या होता है, और देखो कितने आप बढ़िया डी क्या है, एकदम से इंस्टेंट डी के पूरा, देखते हैं क्या करना है। फिलहाल आई थिंक 150 के आसपास यहीं पे कहीं फाइट होके खत्म हो जाना चाहिए दिन, मतलब यहाँ पर फाइट रहे तो मेरे लिए तो बढ़िया है कि यहीं पे फाइट होके होके निपटा दें अगला 1 घंटा जो बचा है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी पोजिशन में कुछ चेंज होगा। तो दूसरे अकाउंट में सेम पोजिशन चल रही है, इधर वी आर अप 5,000 और दूसरे अकाउंट में वी आर अप 14,000, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या होता है। और टाइम इज 1:54 और आई गया ब्रेकआउट, बड़ी स्पाइक कॉल्स पे, कॉल एग्जिट करके शिफ्ट कर ली 19,300 पे 19,100, 200 पॉइंट की स्ट्रैंगल अब, और देखते हैं क्या होता है। 4 4 पॉइंट्स टू कलेक्ट, इसको होल्ड करने का कोई पॉइंट नहीं, ऊपर लाने का कोई पॉइंट नहीं, पुट को और अग्रेसिव होने का मन नहीं। ठीक है तो देखते हैं क्या होता है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी हुआ। टाइम इज 2:17 और फिर निफ्टी में तो कोई कीड़ा है भाई, इस कैंडल पे पूरी पुट एक्सपैंड हो गई तो कॉल को नीचे लाया, इस कैंडल पे वही पुट क्रैश हो गई कॉल एक्सपैंड हो गई। अबे भाई आदमी क्या करे, अलग ही कुछ दिक्कत है फिर निफ्टी के अंदर, अलग ही कोई दिक्कत है। अरे ये कैंडल बना रहे हो फिर उसके साथ ही, चलो बैक टू 19,100 19,300, 250 पे लाया था 12 का स्टॉप लॉस लग गया फिर से, और फिर क्रैश हो जाती है ये, 10 चली गई, 7 8 9 चली गई, फिर क्रैश हो गई एकदम से 4, कैसे मैनेज करूं, कोई तरीका ही नहीं है करने का। बैठे हैं भाई देख रहे हैं, आखिरी आधा घंटा बचा है, रिस्क तो नहीं बढ़ाने का कहीं से भी मन, डीएस की करूंगा पोजीशन को जैसे भी करूंगा, और देखते हैं क्या होता है। अभी भी क्लोज हो जाए तो हाफ ऊपर 1% पे तो क्लोज हो ही जाएगा दिन, बट विल सी। टाइम इज अबाउट 2:47, 13 मिनट बचे एवरेजिंग में, और जिस चीज का डर था वही हुआ, ये ब्रेकआउट तो ठीक है चलो जो आना है आना है, बट इस कैंडल पे बड़ी स्पाइक आई थी कॉल में, उसके बाद मैं कॉल की साइड से बिल्कुल बाहर आ गया, और मेरे पास सिर्फ पुट है ओपन। ठीक है इसका स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई करना है 12 का है, बट मैक्स टू मैक्स इसको 2 3 पॉइंट और एक्सपैंड होने दे सकता हूँ मैं सिर्फ अभी, तो नेट टू नेट ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो थोड़े बहुत पैसे बनेंगे बनेंगे, बट क्योंकि हम बड़े स्केरी जोन में हैं, मैं तो इधर कोई कॉल ओपन नहीं करना चाहता। फिर निफ्टी के अंदर वैसी बहुत स्लिप हो जाती है, मैं बड़ी क्वांटिटी से रिस्क नहीं लेना चाहता, मच बेटर मैं 1 रुपये ना कमाऊँ, मैं खुश हूँ उस चीज़ से, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता बेतुका आखिरी के 10 12 मिनट में, जहाँ पे सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ठीक है तो पैसे बन जाएंगे, पैसे बनने की कोई लालच नहीं है। दूसरा अकाउंट में ये ट्रेड बनाया एक, ये बुलिश स्ट्रैडल बनाइए। ठीक है यहाँ से थोड़ा सा आप मूव और ये प्रॉफिट देने लग जाएगी, ये डिप्लॉय करिए, इसमें 4,000 का लॉस होगा भी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, 0.5% का लॉस, छोटा सा लॉस उधर ले लेंगे,
इस अकाउंट में मैं कोई लॉस लेने के मूड में नहीं हूँ, हाफ अ परसेंट का भी क्यों नहीं, ये मेरी जीरो हो जाए तो मुझे वैसे ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ अ परसेंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। और ये ब्रेकआउट देखे ऊपर जाएगा तो मे बी तब जाके मैं 300 की कॉल सेल करूंगा, अभी तो नहीं, एवरेजिंग के टाइम मे बी, फिलहाल तो नहीं, देखते हैं अभी अगले 5-7 मिनट में क्या होता है, फिर मैं अपडेट करता हूँ। टाइम इज 3:05 और भाई फिर निफ्टी से तो विश्वास उठता जा रहा है एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार, क्या बोलूँ मैं यार, प्राइस एक्शन है क्या ये, भगवान जाने क्या हो रहा है, ऐसी बेवकूफ़ों वाली मूवमेंट, कोई सेंस नहीं है जिस चीज़ की, किधर से कहीं भी ऑप्शन जाई जा रहा, भागता निकलता। ये देखो 2 रुपये का 16, 16 से 2, एंडिंग द डे विद अबाउट 8,000 के लॉस इस अकाउंट में, 2,500 का लॉस, 3,000 का लॉस इस अकाउंट में, ठीक है। क्लोजिंग द डे एट 8.20 पैसे और बनेंगे 18, तो ठीक है रफली अराउंड 10-11 हज़ार का लॉस है, 10-11 हज़ार रुपये का, और लॉस बहुत छोटा है, लॉस मैटर नहीं करता, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब क्या करे आदमी, समझ से बाहर है मेरी तो, इस इंडेक्स को कैसे ही कोई ट्रेड करे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रैंडम चॉपिनेस आ रही है। अब मे बी मैं तो अगले हफ्ते से एक्सपायरी भी ट्रेड करना बंद कर दूंगा फिर निफ्टी की, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेतुके मूव्स। ये देखो एक कैंडल बुलिश, अगली पूरी बेरिश, फिर पूरी बुलिश, फिर पूरी बेरिश, और इसमें ये नहीं है कि प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, इस कैंडल में पुट पूरी टूट जाती है इस, ठीक है, तो तुम पुट को ऊपर लाते हो या कॉल को नीचे लाओगे, कुछ भी करो एडजस्टमेंट, अगली कैंडल में पूरी कैंडल वापस नीचे, और लो जी जो एडजस्टमेंट करी वो उल्टा कॉस्ट बन गया तुम्हारे लिए। चलो कॉलिंग इट अ डे हियर, थैंक यू।